हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। आज में इसके अंदर चार फंडामेंटल डेटा टाइप, इसके अंदर सी के फोर फंडामेंटल डेटा टाइप है, तो उसको हम यूज करेंगे, देखिएगा। मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे इंट लिया, इंट के अंदर अगर मैंने मान लो मैंने एक्स ले लिया और एक्स इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे रख दिया 10। ओके, अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे 10 को यहाँ मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पे पर्सन बी और यहाँ पे जो कोड लगा के यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इंट टाइप, तो इंटीजर डॉट सी, तो देखिएगा इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कंपाइल किया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू देखिएगा ये प्रिंट होकर आ जाएगी 10। ओके, अगर मान लो मुझे फ्लोट की बनानी है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, परसेंट एफ, क्योंकि पहले देखिए डी क्यों आ रहा था, डी इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां पहले इंटीजर था, अब की बार जो डेटा टाइप है वो हमारा है फ्लोट यानी कि रियल, और फ्लोट के लिए हम क्या लगेंगे, एफ लगाएंगे कॉमा, और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एफ की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसको सेव करेंगे फाइल में जाके, यहाँ से इसको क्या कर देंगे सेव, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको रियल डॉट सी। अब इसको कंपाइल करते हैं, चेक करेंगे तो देखिएगा इसकी वैल्यू प्रिंट होकर आ रही 10.4, इतना कुछ होके आ गया। ओके, ये इसके बाद यदि मान लो मुझे क्या करना है, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो जैसे स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन बॉडी, मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे कैर और इसके अंदर यहाँ पे ले लिया सी। ओके, सी इक्वल्स टू मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया कैपिटल एम। ओके, जैसे मैंने कैपिटल एम प्रेस कर दिया तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, परसेंट सी, क्योंकि पहले क्या था, देखिए क्या पहले फ्लोट था इसलिए फ्लोट के लिए परसेंट ऑफ आता है, इस बार डेटा टाइप हमारा क्या है, कैर है, तो इसके बारे हमने कैर के लिए यहाँ पे परसेंट सी यूज होगा, तो यहाँ पे सी लगा देंगे आप। ओके, अब इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, कंपाइल कर लो, या तो यहीं से या यहीं से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कैट डॉट सी। ओके, कुछ गड़बड़ है कोड के अंदर, हो दो बार डॉट लग गया, देखो जरा ध्यान से। तो इसको क्या करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, सेव एस कर लीजिए यहाँ पे, ये रहा कैट डॉट सी। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखिएगा आपको एरर नहीं, वहां पे एम आ चुका है, दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा ये यहाँ पे एम आ चुका है। इसके बाद अगर मान लो मुझे यहाँ पे डबल की वैल्यू यूज करना है, देखिएगा डबल भी बिल्कुल फ्लोट की तरह काम करता है, बस डिफरेंस क्या है, अंतर इतना है कि ये क्या करता है, बस ये इसके अंदर 8 बाइट का स्पेस लेता है, जबकि फ्लोट 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डबल लगाया, इसके अंदर यहाँ पे डी ले लिया और डी इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10. इतना कुछ, ये वैल्यू इतना डाल दिया। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगा तो प्रिंट अप यहाँ लगाएंगे परसेंट एलएफ, यानी कि एक तरह से डबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी डी से। चेक करें एक बार, इसको कंपाइल करेंगे, उसके पहले सेव करने के लिए बोलेगा डबल डॉट सी, तो देखिएगा ये वैल्यू चुकी तो आपके डबल की आ चुकी है। ओके, आपकी बार हम क्या करेंगे, इसको मिक्स यूज करेंगे। मिक्स का मतलब, अगर हमें क्या करना है इसके अंदर, मिक्स का मतलब ये हो गया कि अगर हमें एक ही साथ यूज करना है, सारे डेटा टाइप हम एक साथ यूज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे void main, मैंने क्या करा int के अंदर यहाँ पे x ले लिया, float के अंदर यहाँ पे मैंने y ले लिया, okay, char के अंदर यहाँ मैंने c ले लिया, double के अंदर यहाँ पे मैंने d ले लिया, okay, x equals to मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया क्योंकि इसमें integer nature की value डली, y equals to मैंने 10.5 डाल दिया, okay, c equals to मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे p डाल दिया, okay, और डबल d इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे डाल दिया 10.2 ना कुछ, ये वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। इसको स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए मैंने क्या लगाया, परसेंट पहले d, नेक्स्ट लाइन में जाने के स्लैश n लगाएंगे, इस लाइन में चले परसेंट f स्लैश n, क्योंकि देखो पहले मुझे इंटीजर करना है, फिर फ्लोट, फिर इसके बाद में यहाँ पे फिर परसेंट c आ जाएगा स्लैश n, फिर इसके बाद में यहाँ पे परसेंट अलग आ जाएगा, फिर यहाँ पर कॉमा, पहले x की वैल्यू प्रिंट करे, फिर y की वैल्यू प्रिंट करे, फिर c की वैल्यू प्रिंट करे, फिर D की वैल्यू प्रिंट करें। ओके, अब इसको क्या करेंगे आप, यहाँ से इसको यहाँ पे कंपाइल करेंगे, मैंने यहाँ दे दिया मिक्स डेटा टाइप
डॉट सी। तो देखिएगा यहाँ पे आ रहा है 10 और 10.p और ये इस तरह वैल्यू इस तरह से आ चुका है। अब इसके अंदर हमें सबसे मेन क्या जानना है कि अगर मान लो हमें इसके अंदर दो फ्लोट नंबर का सम करना हो फ्लोट और इंटीजर, तो ये आंसर किस में आएगा? हमेशा आंसर फ्लोट में आएगा। देखिएगा इसका रूल क्या है, थोड़ा सा मैं रूल समझाता हूँ आपको। अगर मान लो इंट है और एक वैल्यू फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आएगा। अगर सपोज करो देखिएगा, अगर मान लो आपका क्या है एक डिजिट 5 है डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमेशा किस में आएगा? 2 में आएगा, क्योंकि इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर के इक्वल इंटीजर ही होगा। अगर मान लो मैं इसके अंदर कर देता हूँ यहाँ पे 5 डिवाइडेड, अगर मान लो एक आंसर इंट है और एक आंसर फ्लोट है, तो कहने का मतलब एक 5 हो गया एक हो गया 2.0, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 2.00, यानी कि इसका आंसर फ्लोट में आएगा इक्वल्स टू यहाँ पे फ्लोट। ओके देखिएगा इंट इंट है, 5 डिजिट के अंदर कोई दशमलव लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। 2 के अंदर कोई दशमलव लगा हुआ है? नहीं। लेकिन डिवाइड होने के बाद तो आंसर आता है 2.5, यानी कि 2.5। तो इंटीजर क्या करता है, इंटीजर हमेशा पॉइंट की वैल्यू को स्किप कर देता है। तो देखिएगा हम कैसे चेक करेंगे इस चीज को। मान लो मैंने यहाँ पे हैश इनक्लूड स्टूडियो लगाया, ओके, और यहाँ मैंने मेन फंक्शन अप्लाई किया बॉडी, मैंने इनके अंदर यहाँ पे x लिया और x इक्वल्स टू मैंने ले लिया 6 ले लिया। अब बताइए कि आंसर क्या प्रिंट होगा, आप थोड़ा सोचिएगा। तुम्हें x प्रिंट होगा, ओके, x की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 है, तो यहाँ मैंने all dot c कर दिया, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह अगर मैं कर दूँ 6.3, तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताइए? ये प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा केवल 6 करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो डेटा टाइप है यहाँ इंट, क्योंकि x वेरिएबल किस नेचर का बना हुआ है? वो बना हुआ है इंटीजर 10 नेचर का, तो x वो वैल्यू लेगा जिस नेचर का वो है, तो वो इंटीजर पार्ट उठाएगा केवल a, ये वाला पार्ट उठाएगा केवल इतना a, ये पार्ट उठाएगा, इस पार्ट को वो स्किप कर देगा। चेक करें, तो अगर मैं इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिएगा इसका आंसर ओनली 6 प्रिंट करेगा। कर दिया ना 6, तो देखिए इसने पॉइंट की वैल्यू को स्किप कर दिया। ओके, अगर मैं वहां पे ले लेता हूँ यहाँ पे 0.5, तो बताइए क्या आंसर आएगा? 0.5 आएगा कि 0 आएगा? वो आंसर देगा हमेशा 0। चेक कीजिएगा, क्योंकि उसने क्या करा, पॉइंट की वैल्यू को स्किप कर दिया, उसने केवल इंटीजर पार्ट उठाया। अगर यही मान लो सपोज करो मुझे आंसर इंटीजर में भी चाहिए या फ्लोट में चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया इंटीजर में, ओके, और दूसरा वेरिएबल मैंने फ्लोट के अंदर ले लिया बी, और बी के बाद मैंने ले लिया आर। अगर मैं इसको कर देता हूँ आर एक वस्तु यहाँ पे 10 कर देता हूँ और बी एक वस्तु कर देता हूँ यहाँ पे 12.5, और आंसर किस में आना है आप थोड़ा सोचिएगा। मैं यहाँ पे MS कुछ देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर कोई वैल्यू इंटीजर में है और दूसरी वैल्यू फ्लोट में है तो आंसर किस में आएगा? फ्लोट में। इसका एग्जांपल क्या है देखो समझाता हूँ। एक डिजिट आपके पास 10 है, एक डिजिट आपके पास 10.50 है, अगर आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? इसका सम आएगा आपका 20.50। समझ में आ गया? आप फाइनल रिजल्ट देखिएगा, फाइनल रिजल्ट किस में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है फ्लोट में आ रहा है? फ्लोट में आ रहा है। तो यही हमें यहाँ पे इसको समझना है, ओके, इसी चीज को हमें यहाँ पे समझना है, ओके। तो देखिएगा एक इंटीजर पार्ट है, एक फ्लोट पार्ट। आप यहाँ पे जरा देखिएगा फाइनल जो रिजल्ट है वो किस में है? फ्लोट के अंदर है। तो इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे r इक्वल्स टू यहाँ कर देंगे a प्लस बी। जब a प्लस बी कर देंगे और यहाँ पे आप r को प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए? 22.5। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, सॉरी क्या प्रॉब्लम आ गई? ओ ये देखिएगा यहाँ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ एफ लगाएंगे आप देखिएगा, तो देखिएगा 20.50 आ चुका है, क्योंकि वहां मेरा डेटा टाइप क्या फॉर्मेट स्ट्रिंग वहां पे चेंज था, यहाँ डी था इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ पे हमें क्या लगाना एफ। तो जैसे अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा आ रहा है, ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे उसको आंसर निकाल सकते हैं इंटीजर और फ्लोट में, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट कोड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कोड वो बनाएंगे, एक तरह से नॉर्मली कोड बना रहे हैं,
मान लो अगर हमें क्या करना है, कोई भी एक नेम प्रिंट करना है, तो नेम प्रिंट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। अब हम डिफरेंस समझेंगे पर्सन डी और पर्सन सी के अंदर। देखिएगा, यहाँ मैंने मेन फंक्शन लगाया, ओके। मान लो मैंने यहाँ पे कैर के अंदर यहाँ पे ले लिया सी एच, ओके। अगर मान लो सी एच के अंदर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ एम ओ एच ए, ओके, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ जैसे प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे इसको पर्सन सी के अंदर यहाँ पे प्रिंट करा, किसको, सी एच को, तो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रिंट करता है। ओके, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे नेम डॉट सी, इसको कंपाइल करते हैं तो देखिएगा ये केवल एन उठा रहा है वैल्यू, इसका मतलब वो एलास की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, उठा रहा है ना, क्योंकि इसकी लीटर जो वैल्यू है वो क्या है, एन है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके अंदर यहाँ पे टैग, तो इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, एच। चेक करें, देखिएगा एच उठा रहा है, ओके। तो कहने का मतलब है अगर मान लो मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ पूरा एक नाम प्रिंट हो जाए, तो नाम प्रिंट करने के लिए आपको डबल कोट यूज करना पड़ेगा। आप कंपाइल करें तो देखिएगा वो कुछ नहीं उठा रहा, क्योंकि इसके लिए लगाना पड़ेगा मुझे पर्सन एस, क्योंकि एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। देखिएगा एक पॉइंट पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ, जब भी आप यहाँ पे सिंगल कोट करते हैं तो सिंगल कोट के लिए हमेशा परसेंट सी लगता है, ये लो ये। अगर आप यहाँ पे डबल कोट लगाते हैं तो डबल कोट के लिए हमेशा यूज होता है परसेंट एस। तो आप इसको कंपाइल करके देखते हैं तो देखिएगा ये नल वैल्यू पॉइंट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताता हूँ। देखिएगा ऐसा रीजन क्या है, कारण क्या है, वो नल हमें प्रिंट क्यों कर रहा है, देखिएगा। देखिएगा जैसे मैंने क्या करा वहां पे टाइप किया, क्या टाइप किया जरा देखिएगा, टैग। जब भी मैं कोई स्ट्रिंग होती है, मान लो जैसे ये है, मैंने वहां पे क्या टाइप करा, टैग, इसके अंदर ये रहा टैग है, ओके। जब हम कैरेक्टर कर रहे थे तो देखिएगा वो लेटेस्ट वैल्यू क्या उठा रहा था, एच उठा रहा था, उठा रहा था। अगर मान लो ये था, ये कंडीशन किसमें थी, ये रूल लगता था सिंगल कोट के अंदर, अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे टैग लिख देता हूँ और यहाँ पे डबल कोट लगा दूं, तो इसकी लेटेस्ट जो लास्ट वैल्यू होती है वो होती है नल, क्योंकि नल का मतलब क्या होता है, जो किसी वैल्यू को पॉइंट नहीं करता उस हम क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं, ओके। तो इसलिए वेरिएबल में क्या चला गया, नल। तो अगर मान लो मुझे नेम प्रिंट करना भी है तो मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे, क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो मुझे इस वेरिएबल का साइज बनाना इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कैर वेरिएबल एक समय के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करता है, तो मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, ओके। इसका साइज क्या बना दिया यहाँ पे 20, देखिए हो गया। अब इसको कंपाइल करें, अब चेक करें क्या करता है, इसमें एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू एक साथ नहीं डाल सकते, इसके लिए अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगा के डबल कोट और यहाँ पे टैग, अब इसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये देखिएगा टैग आ गया। आप इसको कितना लेंथली नेम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एंटरटेनमेंट, ओके, तो देखिएगा यही प्रिंट होके आ जाएगा, ओके। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ परसेंट सी, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जो इसकी रैंडम एक्सेस ASCII वैल्यू होती है वो एक तरह से प्रिंट हो गया, जीरो दे दिया, क्योंकि उसने उठाया है लास्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ परसेंट एस लगाएंगे तब जाके आपको कोई भी एक नेम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी नेम भी प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से अपना डेटा टाइप को चेंज करके, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट कोड, आप अगर हमें इसके अंदर वैल्यू अगर हमें रन टाइम में पुट अप करना तो रन टाइम में कैसे पुट अप करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे ये एरे बना दिया, अगर हम इसको रन टाइम में रन करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या करा, प्रिंट अप के अंदर एंटर एनी नेम, तो अगर हमें इसको क्या करना है यहाँ पे कोई भी रन टाइम में एंटर करनी वैल्यू, तो रन टाइम में एंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे परसेंट एस लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, सी एच के अंदर वैल्यू पास करेंगे। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, जब मैं इंटीजर यूज कर रहा था वहां पे ये वाला सिंबल यूज कर रहा था, लेकिन नहीं, इसमें मैं ये यूज नहीं करना, क्योंकि इसका एड्रेस अपने आप ही मेमोरी के अंदर एलोकेटेड हो जाता है, ऑटोमेटिक एलोकेटेड हो जाता है, और ये केवल अलाउ होता है स्ट्रिंग के अंदर। परसेंट सी में आपको लगाना पड़ेगा, परसेंट डी के अंदर लगाना पड़ेगा, और परसेंट एफ के अंदर लगाना पड़ेगा, परसेंट एल एफ, यानी कि सबके अंदर लगाना पड़ेगा जो प्रिंट, लेकिन परसेंट एस में नहीं लगाना, क्योंकि इसका एड्रेस ऑटोमेटिक इसी के अंदर, इसका कंपाइलर, इसका मेमोरी एलोकेटेड हो जाती है।
अगर मान लो मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने प्रिंट आउट यहाँ पे यूज करा परसेंट एस कॉमा और यहाँ पे लगा दिया मैंने सी एच। ओके अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला गूगल तो देखिए गूगल आ चुका है। अगर मान लो मैं डालता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है। अगर मान लो मैं डालता हूँ यहाँ पे क्या मुजाहिद आ चुका है। अगर मान लो मैं यहाँ डालता हूँ यहाँ पे क्या ट्रैक आ गया। ओके अगर मैं डालता हूँ मैं यहाँ पे कांदला आ चुका। कुछ भी डालेंगे तो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। मैं डालता हूँ यहाँ पे गाजियाबाद, इट्स क्लियर। ओके अब नेक्स्ट कोड पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कोड है आपके लिए। देखिएगा मैंने क्या करा, मैं इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या करा, कैर के अंदर एक पीएन लिया, मैंने इसका साइज बना लिया यहाँ पे 20। ये जो डिजिट टाइप करो ना, ये पता है इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जब हम किसी वेरिएबल का साइज इंक्रीज करते हैं तो उसको एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरे पीसी। तो इसके अंदर ये मैंने एरे बना दिया। ओके फिर मैंने इनके अंदर यहाँ पे एक ले लिया पी क्यू और एक पी पी और एक ले लिया मैंने वी। मान लो मुझे क्या करना, एंटर द प्रोडक्ट नेम। ओके तो मैं कोई भी प्रोडक्ट नेम स्कैनफ लगा के परसेंटेज लगा के इसको एंटर कर दूंगा किसके अंदर, पीएन के अंदर। फिर मैंने प्रिंटफ के अंदर एंटर द प्रोडक्ट कोड, इसको मैंने स्कैनफ लगा के किस में डाल दिया परसेंटेज कॉमा यहाँ पे डाल दिया मैंने पी सी के अंदर। फिर मैंने क्या करा, प्रिंटफ के अंदर एंटर द परचेज क्वांटिटी। ओके यानी कि कितना मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया उसको मैंने क्वांटिटी, फिर स्कैनफ लगा के आप इसको यहाँ पे एंटर करें पर्सन डी, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो इसलिए मुझे इसके अंदर एम परसेंट और पी क्यू वेरिएबल यूज करना। फिर प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने क्या करा, एंटर द परचेज प्राइस, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप स्कैनफ परसेंटेज सॉरी डी कॉट कॉमा यहाँ पे लगा देंगे एम परसेंट पी पी। इसके बाद मैंने v इक्वल्स टू यहाँ पे p क्यू मल्टीप्लाई पी पी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया एज ए वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट d कॉमा यहाँ पे v। देखिएगा कोड क्या है, पहले तो मैं समझा तो कोड का हमारा इसका मेन अहम क्या है। मुझे क्या करना है, जब मैं मार्केट से कोई सामान खरीदूं तो क्या उसका नाम होता है, ठीक है वो जो नाम स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा पी एन वेरिएबल के अंदर। वो किसी कंपनी का भी होगा, उसका ब्रांड नेम होगा, वो स्टोर हो जाएगा पी सी के अंदर। उसकी क्वांटिटी क्या है वो जाएगी पी क्यू के अंदर। ओके वो कितने रुपए का है वो स्टोर कर देंगे हम पी के अंदर, जितना आपने सामान परचेज किया इतना और इतने रुपए का है कि टोटल आपको कितने का पड़ रहा है वो वी में स्टोर हो जाएगा। ओके देखा गया यहाँ पे नेम स्टोर हो गया, यहाँ पे कंपनी नेम, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस और यहाँ मल्टीप्लाई होकर वैल्यू। तो अब इसको रन करें एक बार, वैल्यू कंपाइल करें, मैंने यहाँ दे दिया वैल्यू डॉट सी। तो देखिएगा आपसे प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे माउस परचेज किया, माउस किसका डेल का। ओके पूछा ना इंटेल, इसके बाद पूछा कि क्वांटिटी आप कितना, मैंने 25 माउस लिए, ये कितने का है 500 का, तो टोटल माउस हो गए 12,500 रुपए के आपके टोटल माउस परचेस आपने करें। इसी तरह से स्कैनअप का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ वैल्यू फिक्स नहीं है, कि जितनी बार भी आप कोड को रन करेंगे उतनी बार आप हर बार वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं। कीबोर्ड ले लिया मैंने लॉजिटेक, मैंने 5 कीबोर्ड ले लिए, एक कीबोर्ड 600 का है, तो ये देखिएगा 3,000 रुपए के आपके क्या हो चुके, कीबोर्ड हो चुके। तो ये आज हमने इसके अंदर, अगर मान लो मुझे इसके अंदर नेम भी प्रिंट करना है तो देखिएगा नेम भी मैं आपको सब चीज प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट अप, यहाँ पे सबसे पहले नेम इक्वल्स टू परसेंटेज लगा देंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए क्या लगा देंगे सिलेशन, फिर यहाँ पे मैंने कोड यानी कि एक तरह से ब्रांड परसेंटेज सिलेशन, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा क्वांटिटी भी प्रिंट कर दी इक्वल्स टू परसेंट डी सिलेशन क्योंकि क्वांटिटी इसमें होगी, फिर मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया प्राइस इक्वल्स टू यहाँ पे परसेंट क्या डी कॉट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे पी एन, यहाँ प्रिंट कर देंगे पी सी, यहाँ प्रिंट पी क्यू, यहाँ पी पी। तो अब देखिएगा आप इसको रन कीजिएगा, इससे पहले यहाँ पे यहाँ सिलेशन लगा दीजिए आप सिलेशन, इसको रन करें देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं मान लो यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे नेचुरल सी, नेचुरल सी किसका है न्यूट्रलाइज। ओके मैंने कितनी ली 25, कितने का 899। तो देखिएगा आपने क्या करा, टोटल सामान जो खरीदा है आपने 22,475 रुपए का, क्या सामान लिया आपने नेचुरल सी लिया है, न्यूट्रलाइट की 25 ली और एक 899 रुपए की।
ओके व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमें ये डिस्कस करना था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिससे कि मेरा वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।